हेलो गाइस, वेलकम टू बाले मातो ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक्चुअली अभी हम जहाँ पे हम मेरा घर कंप्लीट हो रहा है ना, यानी मेरा छोटा भाई का, जहाँ पे हम लोग का म्यूजिक स्टूडियो बनेगा, जिससे हम लोग शूटिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, बाहर से म्यूजिक लाना पड़ता था, तो वो म्यूजिक हम लोग अब खुद से बनाएंगे। उसके लिए अपना स्टूडियो बना रहे हैं, स्टूडियो बनाने से पहले अपना घर बना रहे हैं, इसके बाद ना उसमें स्टूडियो बनेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडियो कैसे बन रहा है, क्या क्या प्रोसेस है उनका, और कितने कमरे हैं, क्या है, तो चलिए आप देखिए, और कहीं आपको कुछ लगे तो कृपया कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बालू है नदी का, बहुत ही महंगा पड़ता है लाने में। उसके बाद ये है अपना स्टूडियो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टूडियो ही बोलेंगे, तो ये बनाना इसमें स्टूडियो है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बारी बारी से कैसे क्या प्रोसेस है। यहाँ से हम इन करेंगे, ये अपना फर्स्ट जो देख रहे हैं, यहाँ पे वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम इसलिए बनाया है क्योंकि कस्टमर आएंगे तो उन बैठेंगे का इंतजार तो करना पड़ेगा ना कुछ, या हम लोग भी आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। और ये खिड़की छोड़ा गया है ताकि हवा आएगा। उसके बाद ये इधर से इधर, यहाँ पे अपना सेटअप लगेगा म्यूजिक का, काफ़ी लंबा चौड़ा है, हो जाना चाहिए इसी पे। उसके बाद यहाँ से आने के बाद ये आपका गली हो गया बाहर जाने के लिए। उसके बाद ये किचन, उसके बाद इधर से अपना इधर एक रूम बनाया गया नाइट को आराम करने के लिए, ताकि जब काम करके थक जाए तो इस रूम पे आराम करने का मौका मिलेगा दो चार घंटे के लिए। अब चलिए मैं आपको मिलाता हूँ राजमिस्त्री से, जो इस घर को बना रहा है। तो गाइस अब मैं मिलाने वाला हूँ जो इस घर को बना रहे हैं कारीगर, ये कारीगर बोल सकते हैं या फिर राजमिस्त्री तो बोलते ही हैं, तो चलिए उनसे मिलिए। तो मिस्त्री साहब बनाइए, ये कंप्लीट होने में कितना दिन लगा? ये 8 रोज। तो 8 रोज में इतना हो गया, ढलाई कंप्लीट कितना दिन तक में हो जाएगा? ढलाई तो महीना दिन में हो जाएगा। बाप रे। तो चलिए मैं आपको और एक मिस्त्री से मिलवाता हूँ, क्योंकि इस घर में दो दो मिस्त्री लगे हुए हैं। मिस्त्री है राज मिस्त्री, अपने पूरा मेहनत कर रहा है यहाँ पे कड़ी धूप में, पता नहीं कब तक कंप्लीट होगा, कहना है 1 महीना। और ये मिस्त्री का असिस्टेंट भी है यहाँ पे, तो आप उनसे भी मिलिए। क्या मजा आ रहा है ना? अरे भैया, मतलब मजा तो बोल तो नहीं सकते, मजा लग रहा है, लेकिन क्या करें, अपना घर का काम है तो करना पड़ता है। अभी शूटिंग वूटिंग फिलहाल बंद है, तो अभी देख सकते हैं। गरीब का भाई, गरीब का क्या बोले, कहीं कल्याण नहीं है, और हम लोग इसी तरह मिलजुल के बना रहे हैं। और देख सकते हैं 3 से 4 रूम है इसमें टोटल, स्टूडियो के लिए ही बिल्कुल स्पेशली वीडियो ही बना रहे, मतलब घर जो बन रहा है ये स्पेशल स्टूडियो के लिए बना रहे हैं। तो आप लोग बने रहें और थोड़ा प्यार दुलार देते रहें, और थोड़ा इस गरीब का ईटा उटा में मदद करें काफी। अगर कोई इच्छुक है तो कृपया आके 1-2 दिन हेल्प कर सकते हैं हम लोग का, कि अगर किसी को दुख दर्द लगता है इस पे तो प्लीज आप लोग आए और थोड़ा मदद तो नहीं करें, मदद कर सकते हैं लेकिन पैसा वैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरे तरह इंसान खुद से देख सकते हैं कितना आदम क्या बोल रहे उसको ईट वूट और हाबीज हाबीज जो भी है सब अपने से अपने इस हाथों से बनाया। अरे डाला देख सकते हैं आप, हम थोड़ा से क्या बोल रहे मसाला लाने जा रहे हैं। और स्टूडियो बनने के लिए क्रम में बहुत ही मेहनत कर रहा है मेरे छोटे भाई, कड़ी धूप में, कभी ईंट कभी मसाला। ये मैं हूँ और ये मेरा मसाला है। देखिए वाह बोला, वाह 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 वाह, ऐसे ही करते रहे, बहुत तरक्की करोगे बेटा। अरे भाई वीडियो जो जो देखेगा भाई क्या बोलो उसको, अरे भाई थोड़ा मतलब दया करना, अरे मेरे भाई साहब थोड़ा शेयर वेयर करना। और थोड़ा बाले का चैनल है अभी 8,800 या 900 सब्सक्राइबर है, तो लगभग आप लोग थोड़ा और 100 सब्सक्राइबर चाहिए इस भाई को, तो आप लोग थोड़ा दबा के शेयर वेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग आप लोग के लिए आप लोग के ही प्यार दुलार से अभी चल रहा है स्टूडियो की तैयारी। तो क्या रहे वाले, हाँ क्या करें भाई, ये था मेरा स्टूडियो। तो देखे
खुद स्टूडियो का ओनर कितना मेहनत कर रहा है? अरे भाई ये थोड़ा पूरा बिल्कुल चढ़ा रहा है, मतलब चने पे चढ़ा रहा है, ये चने के झाड़ पे चढ़ा रहा है, ऐसा होता है ना? अरे समझने वाला समझ गया होगा। अच्छा अच्छा, जो नहीं समझे कृपया कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। और मिस्त्री, अरे मिस्त्री का भी थोड़ा तारीफ कर दे भाई। मिस्त्री तो बहुत ऊपर में छे, ऊपर में छे, लेकिन अगर ये लोकल का अगर सही है सब्सक्राइबर कोई, तो वो लोग कॉन्टेक्ट करेगा यहाँ पे मिस्त्री, अगर घर बनाने की जरूरत पड़े तो। क्या तो जैसे कि आपने सुना कि जो लोकल के कोई मेरे सब्सक्राइबर है तो कृपया कमेंट करें, बहुत ही अच्छा राजमिस्त्री है, पूरा सेवा मिलेगा आपको। बिल्कुल गोड्डा का, गोड्डा एरिया तक मतलब सेवा, बिल्कुल गोड्डा एरिया तक सेवा मिलेगा, उससे बाहर सेवा नहीं मिलेगा। पर मिस्त्री बहुत ही परफेक्ट है, टाइम पास भी नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करता है। और हम तो अगर आपको जरूरत पड़े लेबर का तो हमको जरूर बुलाइए, अभी शूटिंग वूटिंग नहीं रहेगा। इसको नहीं बुलाया, फेकू लेबर है, फेकू लेबर नहीं भाई, देख सकते हैं। हाँ देखिए पूरा छाला पड़ गया है, प्रैक्टिस एक दिन ले जाके कर सकते हैं। तो गाइस इसी तरह आप मेरे चैनल पे पहले एक दिन काम करके दिखाइए, मतलब देखिए आप लोग, अगर नहीं संतुष्ट होंगे तो चेंज कीजिए लेबर। तो ना एक दिन यानी ट्राई कर सकते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यही ना। तो ऐसा सुना, ये था मेरा छोटा भाई का कहानी। ये अभी कुछ दिन लगे, ज्यादा टाइम नहीं लगे, 15-20 दिन में अपना स्टूडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जो नहीं किया वो कर दें, जो नहीं किया वो कम से कम शेयर वगैरह कर दें, जो कर लिए उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृपया शेयर वेयर कीजिए, तो मिलते हैं फिर झलाई के दिन अगले वीडियो पे, जब ये कंप्लीट होगा फिर भी दिखाऊंगा और बीच में भी दिखाऊंगा। तो थैंक यू।